लिबर्टी मार्केट के अंदर किसको देंगी आप? इमरान खान को। क्यों देना चाहती हैं इमरान खान साहब? तो इमरान खान को कौन वोट नहीं देना चाहता? कोई पांच खूबियां इमरान खान साहब के बारे में, कोई भी? सारी को देना चाहते हैं आप, अपना बताइए। आप बताइए। चलिए आप तो बताइए ना पहले। नहीं, आप किसको देना चाहते हो, आप किसकी तरफ? जिसे आप कहेंगे उसे दे देंगे। चलो जिसे आप कहेंगे मैं भी उसको दे दूंगी। मैं तो इमरान खान को दूंगी। चले कोई खूबियां बता दें, कोई अच्छी सी पांच। अच्छा, नवाज शरीफ की क्या खूबी है? आप उसकी कोई खूबी बता दें, कोई उसकी इज्जतदारी की बता दें। जो उसमें है वो उसमें ही है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सारे एक ही हैं। हाँ, फिर मैं तो यही कहूँगी। चले शुक्रिया। आइए जी, यहाँ की मज़ीद आवाम से जानते हैं कि किसको वोट देना चाहती है। आइए जी सर, वोट किस पार्टी को देंगे आप? किसी को भी नहीं, कोई भी नहीं। किसी को भी? सर इलेक्शन में वोट किस पार्टी को देंगे? जीएम। मैम वोट किसको देंगे आप? इमरान खान। क्यों देना चाहती हैं इमरान खान साहब को? बस कोई सी अच्छी सी दो खूबियाँ इमरान खान साहब की? इमरान खान खुद सरापा खूबी है, दो खूबियाँ तो बहुत कम है। चलो शुक्रिया। इलेक्शन में वोट किसको देंगे आप? टेढ़ी इदारी सी बात है। कोई सी दो अच्छी सी खूबियाँ? हाँ, मैं इमरान खान साहब चोर नहीं है। चोर नहीं है, एक होगी। दूसरी सर, वीडियो ना डालना यार, बेहतर है। सर आप वोट किसको देंगे? किसको भी, जो ये देंगे जिन पे, यानी कि पीडीआई को। सर वोट किसको देंगे आप? नो वालेकुम। सर इलेक्शन में वोट किसको देंगे आप? वोट किसको देंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? दुआएं आपकी। सर इलेक्शन में वोट किस पार्टी को देंगे? हाँ, वो इमरान खान साहब की कोई सी अच्छी सी दो खूबियाँ कोई भी बता दें। अच्छी खूबी इनकी उसकी यही है, उसने ये चोरों को पकड़ा, और उसकी खूबी क्या है? एक हो गई। दूसरी सर, मैं तो वो उनकी तरह ना पकड़ के ना, वो स्पीच देख के नहीं करता, अपने दिल से जो मुँह में आता वो स्पीच करता है। उनकी तरह वो कागज़ पर लिख के नहीं लेके जाता, ये उसकी एक दूसरी खूबी है। सर इलेक्शन में वोट किसको देंगे आप? लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्यों देना चाहते हैं सर लब्बैक या रसूल अल्लाह को? बड़ी अच्छी पार्टी है, हमारे मुल्क का मतलब अच्छा सोच रही है। सर आप इलेक्शन में वोट किस पार्टी को देंगे? पीटीआई को। क्यों देना चाहते हैं? कोई अच्छी सी दो खूबियाँ चेयरमैन इमरान खान साहब की? ये हज़ार खूबियाँ उसकी, लेकिन वो फिर हमारा इख्तिलाफ आ जाएगा बीच में। हज़ार खूबियाँ। सर आप वोट किसको देंगे? मदार साहब बताओ। मैंने तो पीटीआई को देना है, आप अपना बताओ। भट साहब इधर आओ, आप बताओ जरा अपनी राय पेश करो। इधर आइए, मैं किसको देंगे? मेरा लीडर आए हैं अभी अभी यूके से, और मेरा वोट आर्मी का है बस। उसके बाद आप किसको देंगे वोट? उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा। प्रोग्राम तो बढ़ गया। इलेक्शन में वोट किसको देंगे आप? इमरान खान को। कोई दो खूबियाँ इमरान खान साहब की अच्छी सी? सच्चा इंसान है बस, एक हो गई। और दूसरी? दूसरी ये है, और मुल्क के लिए अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजब अली। सर इलेक्शन में वोट किसको देंगे आप? इमरान खान को। क्यों देना चाहते हैं इमरान खान साहब? वो बहुत अच्छा बंदा, नाइस है। कोई इसी दो खूबियाँ? खूबियाँ वो दीन के हिसाब से चलता है, एक हो गई खूबी। एक हो गई, दूसरी खूबी है वो हक पर लड़ता है। हक पर लड़ता है। हाँ, चलिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर इलेक्शन में वोट किस पार्टी को देंगे आप? इमरान खान साहब को जी। कोई सी दो अच्छी खूबियाँ इमरान खान साहब की? दो सी क्या, हज़ारों खूबियाँ हैं। पहले बता दें कोई। मर्द मुजाहिद, ईमानदार, गरीबों का सोचने वाला, पाकिस्तान का सोचने वाला, पाकिस्तान का वफादार। आवाम को क्या पैगाम देंगे आप सर? आवाम को तो, आवाम तो माशाल्लाह बहुत समझदार हो गया, आवाम को पैगाम देने की ज़रूरत ही नहीं है। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? स्ट्रेट पे आ रहे हो। सर इलेक्शन में वोट किसको देंगे आप? मैं पीटीआई। क्यों देना चाहते हैं पीटीआई? एक ही तो बंदा है हमारे पास। दो अच्छी सी खूबियाँ जो चेयरमैन इमरान खान के अंदर मौजूद हों यार, वही सच्चा बंदा, केस ही नहीं साबित कर सके, तोशा खाना में अंदर डाल दिया। शुक्रिया। आइए जी यहाँ की मज़ीद आवाम से जानते हैं। सर इलेक्शन में वोट किसको देंगे आप? इमरान खान इंशाल्लाह। इमरान खान को देंगे जी। सर कैसे हैं? ठीक हूँ, आप कैसे? सर इलेक्शन में वोट किस पार्टी को देंगे आप? किसी को भी नहीं। सर वोट किसको देंगे आप? किसी को नहीं देना। किसी को भी नहीं देना। चलें जी। सर वोट किसको देंगे आप? किसी को भी नहीं देना। सर वोट किसको देंगे आप? नून लीग को इंशाल्लाह। नून लीग को देंगे जी। सर वोट किसको देंगे? नून लीग। नून लीग को। वोट किसको देंगे आप? जब इलेक्शन होगा तो तब देखेंगे ना। अभी कुछ नहीं सोचा सर आपने? मैं बब्बू शेर को दूंगा। शेर को देंगे? बब्बू शेर को। शुक्रिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इलेक्शन में वोट किस पार्टी को देंगे आप? इंशाल्लाह जी पीटीआई को। क्यों देना चाहते हैं पीटीआई को? ऐसे दिल से बहुत पसंद है हमें। फिर मैंने इमरान खान साहब की कोई सी दो खूबियाँ? खूबियाँ बस जी, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं। आप भी बताएं। आप वोट किसको देंगे?
मेरा वो आईडी कार्ड नहीं है। जब आईडी कार्ड हुआ तब किसे देंगे आप? इंशाल्लाह इमरान खान। इमरान खान साहब को देंगे। वोट किसको देंगे आप? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं। सर वोट किसको देंगे आप? इमरान खान को। लबैक। क्यों देना चाहते हैं लबैक को? तरीके लबैक। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह पाक की रहमत। सर इलेक्शन होने वाले हैं तो आप अपने ज़मीर का वोट किस पार्टी को कास्ट करेंगे? पीटीआई। क्यों देना चाहते हैं पीटीआई को? पीटीआई वो ईमानदार है। ईमानदार लीडर हैं। हाँ जी। कोई पांच अच्छे काम बता दें जो इमरान खान साहब ने किए हों। सेहत कार्ड जी। एक खुदा सर इलेक्शन में वोट किस पार्टी को देंगे? सर मैं नून लीग को। पांच काम बता दें जो नून लीग की हुकूमत ने किए हों। अच्छे हैं कौन से पूछे? सारे अच्छे हैं। बता दें पाँच अच्छी हैं। आप पांच कह रहे हो, मैं पांच उधार ना उसको बता दूँ, सारे काम अच्छे हैं। किसको देंगे आप? नून लीग को। किसको देंगे? आइए जी यहाँ की मजीद आवाम से जानते हैं कि किसको वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर इलेक्शन में वोट किस पार्टी को देंगे आप? सर हम शुरू से नून लीग को सपोर्ट करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह अभी भी नून लीग को सपोर्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने गरीब के लिए सोचा है, गरीब आवाम के लिए सोचा उन्होंने, और हम भी इंशाल्लाह ताला सपोर्ट उनको ही करेंगे। सर नून लीग के कोई अच्छे से काम जो पांच उन्होंने किए हों कोई भी? सर एक मोटरवे बनाई उन्होंने, एक उन्होंने जो है ना डॉलर को कंट्रोल में रखा, दूसरा पेट्रोल को उन्होंने बढ़ने नहीं दिया, चीनी की हालांकि शुगर मिलों के मालिक हैं वो, चीनी को उन्होंने कंट्रोल में रखा, उन्होंने 60 रुपये से ऊपर नहीं जाने दी। पाँचवा काम यह है कि इन्होंने जो सी पैक का जो वो बनाया ना उसको हमारे इमरान खान साहब ने आके ना वो धरना दे के उसको बंद कर दिया। वो सी पैक चलता रहता तो हम इस टाइम हम बड़े खुशहाल होते, हमने कर्जा लेने की ज़रूरत ही ना पड़ती हमें। आवाम को क्या पैगाम देंगे आप? आवाम को ये पैगाम देंगे लेकिन अभी भी सोच समझ लें क्योंकि हम लोग अभी जिस पोजीशन पर है ना हमारा मुल्क इस टाइम हम बहुत डाउन हो गए हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे डाउन हो गए हैं इस टाइम, हम श्रीलंका से भी ज़्यादा डाउन हो गए हैं। हमें अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग सेट करना ही नहीं आया, कोई सही लीडर हमें मिला नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह नून लीग वाले अब अच्छे तरीके से परवान चढ़ के आएंगे, इंशाल्लाह हमारे मुल्क के लिए अच्छे मदरस बन के साबित होंगे। चले शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। आइए जी यहाँ की मजीद आवाम से जानते हैं किसको वोट देना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। इलेक्शन में वोट किसको देंगे आप? नून लीग को देंगे। नून लीग की कोई सी दो अच्छी खूबियाँ? काम सही की है, पहले ही मंगाई, इसे मंगाई की मेरा हाने, इसे मंगाई नहीं की ये मसाब। चले शुक्रिया जी। आइए जी यहाँ की मजीद आवाम से जानते हैं किसको वोट देगी। सर इलेक्शन में वोट किसको देंगे आप? सर इलेक्शन में वोट किसको देंगे? बंदे दे पुत्र नू। कौन सा किसको देखना चाहते? बंदे दे पुत्र नू। सर इलेक्शन में वोट किसको देंगे आप? किसी को भी नहीं देंगे। क्यों देना चाहते किसी को? सर इलेक्शन में वोट किसको देंगे आप? नहीं भाई जान हमने किसी को देंगे। क्यों देना चाहते सर किसी को भी आप? वो भाई बताएंगे बड़े। आइए जी यहाँ की मजीद आवाम से जानते हैं। वालेकुम। सर इलेक्शन में वोट किस पार्टी को देंगे आप? सर अभी कोई माइंड नहीं है, कुछ नहीं सोचा अभी तक। नहीं अब देंगे आप वोट? दे देंगे। सर आप किसे देंगे वोट? मैं भाई को। भाई को देंगे। आइए जी